अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, हैर आफियत से होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। ज़िंदगी का मज़ा इसी चीज़ में है कि अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय किया जाए, अपने इर्द गिर्द मामलों का खास ख्याल रखा जाए, बड़े छोटों का। आज आपके साथ एक न्यू ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। चुनना मुन्ना सब ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा मेरे ब्लॉग्स को। तो आज ब्लॉग में मैं आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर करूँगी, जिसके लिए आप देख सकते हैं मेरे आगे सब्जियां कट के हमने रख दी हैं। ये आज हम बना रहे हैं कीमा बना रहे हैं। तो कीमा बनाने के लिए सबसे पहले हमने प्याज कट कर दिए, उसके बाद यहाँ पे मटर आलू वगैरह भी रख दिया, यहाँ पे शिमला मिर्च भी हमने कट करके रख दी, और यहाँ पे लहसुन पीस के रख दिया है। बहुत मज़े का ये कीमा रेडी होता है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, इसी तरह सपोर्ट करते रहा करें। मैं आप लोग कीमे को हमने बॉईल कर दिया, जब आप बॉईल करें तो आपने पानी नहीं ऐड करना, इसका अपना पानी निकला है क्योंकि ये फ्रीज़र में था, तो इस वजह से। और वहाँ पर अदरक लहसुन वगैरह भी ग्राइंड की जा रही, जब ये सब कुछ हो जाएगा तो फिर इसका तड़का बनाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या क्या ऐड करना है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं बहुत शुक्रिया आप सबका, इसी तरह लाइक शेयर कमेंट्स करते रहा करें। आलू और मटर डाल दिए बॉईल होने के लिए, क्योंकि ये कीमा डालेंगे तो ये पकने में टाइम लगता है। आपने क्या करना है, मटरों को अच्छे से बॉयल कर देना है। बॉयल करने से ये होगा कि आपके मटर अच्छे से गल जाएंगे, नहीं तो कच्चे रह जाएंगे। यहाँ पर ले लिया, इसके अंदर बॉयल ऐड कर दिया, घी ऐड किया हमने, आपकी मर्जी है ऑयल डालें घी डालें। हम घी में बना रहे हैं, ऑयल डालना था पर हम भूल गए इसलिए हमने घी डाल दिया। जब आपका ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। यहाँ पे मटर बॉयल हो रहे हैं, साथ में यहाँ पे मेरी चाय भी रख दी थी, देख सकते हैं कीमा बॉयल करके हमने रख दी और शिमला मिर्च भी मैंने कट कर दिए हैं। बर्तन भी साथ साथ मैंने वॉश कर लिए हैं। अब इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी, तो आपने बहुत अच्छे से गर्म करके फिर आपने प्याज ऐड करना है, क्योंकि फिर ये होगा कि आपका जो प्याज होगा वो जल्दी पक जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। टमाटर भी ज़्यादा हम ऐड कर रहे हैं फ्रीज होने में, तो अभी इसको पानी में डालेंगे थोड़े नरम हो जाएंगे, तो हम इसके अंदर ब्लेंड कर देंगे इस टमाटर को भी, गर्म हो गया। अब इसके अंदर प्याज ऐड कर देते हैं, देख सकते हैं प्याज ऐड करके हमने बारीक बारीक प्याज काटे हैं, ताकि ये जल्दी बॉयल हो जाए, जल्दी पक जाए। हमने इसको प्याज हमारा गल गया, प्याज ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर हम लहसुन ऐड करेंगे। देखते हैं प्याज ब्राउन हो गया है, अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं लहसुन, ढेर सारा आपने ऐड करना है, इससे बहुत अच्छा ये रेडी होता है, देख सकते हैं। ये तो फिर देख सकते हैं आपको प्याज ब्राउन हो रहे हैं, लहसुन भी मैंने ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे टमाटर, कंट्रोल कंट्रोल। ये तो फिर देख सकते हैं आप लोग, हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, लहसुन भी ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर हमने टमाटर ऐड करने हैं बस। जो तो मेरे चैनल पे नए हैं बहुत शुक्रिया आप सबका, इसी तरह आपने मेरे चैनल को सपोर्ट करने में। ये मेरी दादी की रेसिपी है, पर्सनल रेसिपी हम आपसे शेयर करते रहते हैं इस चैनल पे, तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा ज़रूर, सब एक दूसरे को सपोर्ट किया करें, अच्छी बात है एक दूसरे को सपोर्ट करना, जल्दी से कट्टर नहीं रखना चाहिए। इस समय आप लोग की वीडियोज़ को लाइक शेयर करते हो तो आप भी किया करें। टमाटर देख सकते हैं काट करके हमने रख दिए हैं, क्योंकि ये फ्रीज़र में थे तो इस तरह से लगने, और वहाँ पे हमारा
प्याज ब्राउन हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान और पाकिस्तान में है गैस का इशू। यहाँ पे हमने गैस को तेज़ कर दिया है जो कि खतरे की कीमती भी है, थोड़ा पीछे बहुत तेज़ नहीं। यहाँ पे ये यहाँ पे डालेंगे और मिर्चियाँ, हरी मिर्चियाँ हमने संभाल के रख ली हैं, काम आएंगी। वॉश कर देना बर्तनों को, बर्तन हमेशा साफ साफ वॉश के बाद में। सर्दियों में पानी भी आपको लगता है हाथ में, ठंडा लगता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मसाले ऐड कर रही हूँ, पहले हम टमाटर ऐड नहीं किए, पहले हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। हल्दी 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून हमने हल्दी ऐड कर, लाल मिर्च ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, हम अपने हिसाब से ऐड कर रहे हैं। अपने हिसाब से अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कीजिएगा, हम कम। फ्रेंड्स हमने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं, अब ये टमाटर पकेंगे तो इसके बाद हमने ऐड करनी है और चीज़ें। मैं बताऊँगी आपने क्या करना है, पहले हमने टमाटर को अच्छे से अपने तरह थोड़ा सा हमने पानी भी ऐड कर दिया ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएँ और ग्रेवी जो मसाला है अच्छा रेडी हो जाए। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं बहुत शुक्रिया आप सबका, इसी तरह लाइक शेयर कमेंट सपोर्ट करते रहते हैं और मेरी वीडियोज़ को पूरा देखा करें, ना कि कार्ड जाने का भी टाइम हो रहा है जब तक हम इसको बंद करके रख देते हैं ताकि ये बन जाए। नमाज पढ़ के आना, फिर आगे क्या कुछ डालना वो मैं आपसे शेयर करूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका। जी तो फ्रेंड्स कीमा हमने ऐड कर दिया, अब इसको आपने अच्छे से भूनना है, फिर इसके अंदर वेजिटेबल डालेंगे। हम देख सकते हैं कलर माशाल्लाह से कितना प्यारा है, इसको हम भूनेंगे काफ़ी देर आपने भूनना है। फिर हमने ये जो वेजिटेबल बॉयल हो रही है वो ऐड करेंगे, पहले आपने कीमा ऐड करना है। हरी मिर्चें भी इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं, 3 अदद ऐड कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। फाइनल लुक देख सकते हैं आप लोग हमारे कीमे का, उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपने तमाम लोगों का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।